नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय में लिंग बदलों के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम प्रतिफल, व्याकरण के नियमों से परिचित होंगे, भाषा में लिंग बदलों के महत्व को समझेंगे और लिंग बदलों के नियमों से परिचित होंगे, वाक्य में आए संज्ञा शब्दों को उनके लिंग भेद के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करना सीखेंगे। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। इस प्रकार लिंग दो प्रकार के होते हैं या लिंग के दो भेद होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग यानी पुरुष जाति और स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति। पुलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुलिंग कहते हैं, जैसे राजा, सेठ, हाथी, माली, चम्मच, जग आदि, ये सारे शब्द पुलिंग हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, सेठानी, हथनी, मालिन, कटोरी आदि। बच्चों, सभी संज्ञा शब्द या तो पुलिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। तो आओ हम कुछ पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ें। लड़का, लड़की, चाचा, चाची, भाई, बहन, शेर, शेरनी, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, पिता, माता। बच्चों, ये तो संज्ञा शब्दों के पुलिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का रूप है। आइए आप देखिए इनका वाक्य में परिवर्तन कैसे हो सकता है। जैसे लेखक कहानी लिखता है, पुलिंग को स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो लेखिका कहानी लिखती है। मोर नाचता है, मोरनी नाचती है। अध्यापक पाठ पढ़ाता है, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है। बच्चों, वाक्यों में प्रयोग होने पर लिंग के भेद के अनुसार ही क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो आओ बच्चों, अब आप भी कुछ अभ्यास करो। मामा जी दिल्ली जा रहे हैं, शेर शिकार कर रहा है, नौकर ने घर की सफाई की, मेरा भाई बाहर खड़ा है, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए। बच्चों, अब आप भी इन वाक्यों को लिंग बदलकर दोबारा लिखें और इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।